ये हमारी लिस्ट है। कल है हमारे नए घर में पूजा। गाइस जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं प्लीज आ जाना। गाइस एक दिक्कत हो गई है। ओए लखनीत। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। तो आज का दिन बहुत ज्यादा ठंडा है ऐसा बोला जा रहा है। वैसे डेली एक ना एक रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दिया आज ठंड ने, ऐसा क्यों बोलते हैं? पता नहीं भाई, रिकॉर्ड तो गया, नींद तोड़ दी, लेकिन मेरी भाई सुबह बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं अपने बच्चों को भी बाहर नहीं कर रही हूँ आज। और दूसरी चीज, आजकल मैं 5 बजे उठ रही हूँ और 5:30 हम लोग योगा कर रहे हैं 6:30 तक। तो मेरा दिन 2 दिन से बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा, क्योंकि रात में नींद अच्छी आ रही है। क्या खा रहे हो सुबह सुबह? ब्रेड और चाय। गुड। मैं जा रही हूँ नहाने, मैं आपको दिखा दूँ तब तक बाहर का माहौल। कर्टेन ये देखो, अभी तो आपको तब भी ठीक लग रहा होगा बट बहुत ही बुरी हालत थी 5 बजे, बहुत ही बुरी। कल है हमारे नए घर में पूजा, तो आप सभी को हम इनवाइट करेंगे, कर रहे हैं, प्लीज़ आप आना अगर आपसे पॉसिबल हो। हमारा घर इस घर से थोड़ी सी दूरी पर है, इसी सोसाइटी के अंदर है। बाकी मेरा ये बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज सोनी ने स्टिच करवाया है, कल यही साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। क्रीम कलर की साड़ी है, ऑफ वाइट टाइप, और ये ब्लाउज़ इतना सुंदर है। लेट्स सी ये पहन रही हूँ या दूसरी पहन रही हूँ, क्योंकि और भी काफ़ी सारे आउटफिट्स आए हैं मुझे कि आप इसमें ये पहनना। लहंगा आया, अब लहंगा तो यार मैं नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि इतनी ठंड है, कौन लहंगा पहनेगा या साड़ी ही कौन पहनेगा। मैंने कहा भाई मेरे को कोई सूट भिजवा दो, देखते हैं कल क्या पहनना है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि मैं जल्दी नहा ली हूँ और सैंडी और पुनीत, आई मीन पुनीत तो सो ही रहा है, सैंडी उठ गया लेकिन उसको थोड़ा काम है, तो आज से मैं पूजा कर सकती हूँ। और तो मैं पहले यहाँ पर पूजा करूँगी, उसके बाद मैं घर में पूजा करूँगी। अरे सबसे पहले मैट, एक्चुअली क्या है ना, इस वाले मैट में, ये मैट हमने लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैट चेंज होते रहते हैं क्योंकि हमारा जो ब्राउनी है वो मैट में उसको पसंद है टॉयलेट करना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। तो भाई आज मुझे तैयारी करनी है क्योंकि कल हम घर में उसमें पूजन कराने वाले हैं, गृह प्रवेश नहीं, मतलब सिर्फ पूजन कराने वाले, क्योंकि नया घर है वहाँ पे बिना पूजा के हम कुछ भी नहीं करते, तो उसमें रिनोवेशन का काम भी स्टार्ट होना है। और डेली एक दिया अब हम उसमें लगा के छोड़ा करेंगे, क्योंकि ऐसे खाली नहीं छोड़ा करते, तो कल हम उसका पूजन कराएंगे। आज सारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले मम्मी पापा को बोलने कि कल पूजा हो रही है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ आप ही करना है। हाँ? तुम बोल के आओ, मैं दूसरे घर में पूजा करके आती हूँ। ठीक है ठीक है, क्योंकि उसमें दीपक जलता है ना, और अभी पुनीत पिटा है 2 बार। अच्छा अमर दिखाओ, उठता नहीं है, उठता नहीं है, प्यार कर रहा है, कहाँ है, उठ जा, चलो नहीं अभी 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 भी यहीं बैठा है, उठता गया उठता गया। मैं सैंडी भाई से बात कर रहा, एक्सरसाइज कर रहा था भाई, योगा कर रहा था यहाँ। क्या बात कर रहा सैंडी से? चल मैं होके आता हूँ। गाइस ठंडी कितनी ज्यादा है यार, और बस जब भी ठंड ज्यादा लगती है ना, मैं उन लोगों को सोचता हूँ जो बेचारे बाहर रहते हैं, फिर ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को बस मन करता है कि कुछ जाके कर दूँ सबके लिए, जितना हो पाता है उतना करते भी हैं, लेकिन क्या ही बोलूँ भाई, सर्दी इतनी है गाड़ी के पसीने छूट रहे हैं, ये ओस भी कैसी चीज है ना। सो गाइस कल की पूजा के लिए सब चीजें तैयार है, और कल दिन में हमारी पूजा होगी, और हमारे जो पंडित जी हैं अब उनको बुलाया जाएगा, और सारी चीज़ों की अब तैयारी चालू हो जाएंगी। भाई कल टाइम से पूजा है, तो गाइस मैं नहा लिया हूँ, पूजा भी कर ली है, और अब कल की पूजा की तैयारी करानी है सारी। इतनी बड़ी चीज़ है कि देखो कीर्ति ऑफिस तक नहीं गई अपने, आज संडे है। ओह हो, नहीं तो ये वैसे एक चीज़ है, छुट्टी के लिए कोई वो नहीं करती है ना, तुझे क्या हो गया? ये मैं देख रही हूँ कल कैसे सजाना है हमें घर को, दीदी और मैं वही तो देख रहे हैं। अच्छा तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग लखन के चैनल पर, क्योंकि लखन और नीतू दोनों ही बिजी हैं काम में, क्योंकि कल है हमारे नए घर की पूजा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम चल रहा है। नीतू अभी 100 दिए आए हैं, 100 और मंगाने, क्योंकि पूरे घर में दिए लगाने हैं, कल पूजा है और इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब लखन के पास जाओ, चलो हम लखन का काम देखते हैं। मेरे सबके डिपार्टमेंट्स बांटे हुए हैं, मेरा डिपार्टमेंट है आज व्लॉगिंग का, और मेरा कैमरे का, और लखन का इनविटेशन का। ठीक है, हाँ भाभी को लाना, सबको लाना घर से। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, अभी हम दिखा नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, तू व्लॉग बना रही, मेरा व्लॉग बना रही हूँ तुम्हारा, यार तुम लोग बिजी हो ना। हाँ, क्योंकि यार एकदम से सारा अरेंज करना है भाई, और लोगों को इनवाइट करना, कोई लिस्ट में रहना जाए वो भी सब मेक श्योर करना है मेरे को। नीतू पूनम भी मेरी, सबकी हम लोग की ड्रेसेस भी रेडी हो रही है, लखन सबको कॉल करना, इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया है लखन ने, नीतू वहाँ पे अपनी ऑलरेडी तैयारी कर रही है, हम लोगों ने अभी हलवाई से बात कर ली है, और जो डेकोर करेंगे उनसे बात कर ली है, और पंडित जी से बात कर ली है, और हमारे ऑलमोस्ट सब कुछ पीछे है, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। गाइस जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं प्लीज़ आ जाना, और बाकी हमारे जितने भी लोग हैं जो सब कुछ देख रहे हैं, आप लोग तो सब हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो, आप लोग के देखोगे और सबको बोल दो यार, मैंने कैसा भूल जाती हूँ बोलते बोलते लगा।
मैं सुंदर आ रही हूँ हो तो आओ ये क्या कर रही हो दीदी शाबाश बेटा वो मेरा भी थोड़ा सा काम है ना सब लोग काम कर रहे हैं तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा कि मैं भी काम कर रही हूँ ये गेट तो बंद करो गॉड चलो अब वो वाला पूरा चलो ये तो खुला जाएगा तुम्हारे लिए बाय बाय सो गाइस यहाँ अलग ही तैयारी चल रही है कल की और ये रहा हमारा हीरा और एक्चुअली ये मैंने आपने देखा होगा इंस्टा 360 कैमरा जिसकी मैंने बहुत बेकार रिव्यूज़ दिए थे इसमें मेरे को पता चला कि जो लेंस कवर है ना क्योंकि देखो इसका लेंस कैसा है तो ये बाहर स्क्रैच पड़ जाता है अब मैंने कल इसका अमेजोन से कवर मंगाया इसको इसके अंदर रखूँगा अब मैं तो इसका ये वाला लेंस कवर निकाल देते हैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ कैसी है भाई भाऊ कैसे निकालेंगे इसको इसको मैं गरम करेगा इससे तो गाइस ये वो 360 कैमरा जिसके बारे में मैंने आपको बताया और अब मैं आपको इसका फीचर दिखाता हूँ मैंने इसमें से वो लेंस हटा दिया जो बेकार हो रहा था और न्यू लेंस से देखना इसकी क्वालिटी आप और बताना कैसा लगा आपको तो यहाँ पर हमारा टैडी है टैडू ओलो 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 ले भाई ले पकड़ लियो हाँ बेटू हाँ थोड़ी देर बस बेटू थोड़ी देर तो अब मैं और दीदी चल रहे हैं अपने नए वाले घर पर देखने के लिए कि क्या क्या काम हो गया कल की तैयारी काफ़ी सारी करानी है इसका मैं लॉक लगाना भूल गया यहाँ से लॉक लग जाता है अभी अपने आप लग जाएगा लग गया चल भाई तू क्या डांस कर रही है मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी तुझे पता है अरे यार तूने देखा ना अभी तक ओ यार यार सच्ची दीदी पहली बार देखने जा रही है उसने मुझे नीचे उतरते ही पूछा कि गाड़ी से चलना है इसे ये नहीं पता कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है मतलब मुश्किल से होगा इस वाले फ्लैट से कितना 50 मीटर दूर है यार इसी बिल्डिंग में है चलती रहे चल जल्दी पहुँच जाएगी तू बस देखो आप लोग वो वहाँ पे हमारा पुराना वाला है दिल थाम के बैठी है ये वैसे मैं सोच रहा था ये ऑफिशियल इसको वो करूँ मैं कीर्तिज हाउस ये हम अंदर आ गए हैं अभी यहाँ साफ सफाई चल रही है पूरी हाँ भाई हाँ तो यहाँ साफ सफाई अभी हो रही है अभी गद्दे मंगवाने मेरे को यहाँ पूरे में लगवाने क्योंकि काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं कल तो टेंट वालों को भी लेकर आना है अभी वो छत पर ही हैं सब लोग हाँ छत देखना कितनी बड़ी है तो यहाँ मैं कंजी का रूम दिखा रहा हूँ उसको ये रूम इसी का होने वाला है कैसा लगा भाई एक दिक्कत हो गई आप लोग ध्यान से मेरा चेहरा देखना इधर ये मुझे पहले लगा कोई पिंपल हुआ या एक्ने हुआ लेकिन ये ज़्यादा बढ़ गया है यार मुझे वैसा वाला लग रहा है जिसमें ब्लड नहीं निकलता बाद में पकने के बाद तो ये शायद वैसा होगा कोई आसान तरीका बता दो कि ये ख़त्म हो जाए क्योंकि यार कल आपको पता है कितनी बड़ी पूजा है और जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है उस टाइम पर पता नहीं चीज़ें कैसे हो जाती भाई मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्यों ऐसा होता है या आपके साथ भी होता है ऐसा कि कोई स्पेशल चीज़ है तब से कुछ नहीं था अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ पड़ता जा रहा है भाई और आप देखें ना कल पूजा का ठीक भी हो जाएगा पक्का लेकिन यार स्पेशल मोमेंट हमारे ख़राब कर देते हैं ये चीज़ें ना प्लीज़ मुझे बताओ कुछ नहीं तो मैं सोच रहा हूँ इसका कोई इलाज है ये जो हो रहा पिंपल ये देख आई हैव क्या पैचेस से क्या होगा रात में ठीक हो जाएगा भाई कुछ है इसके पास मैं एक बार लगाता हूँ सुबह तो आप देख ही लोगे कल के व्लॉग में कि ठीक हुआ नहीं हुआ तो पता भी चल जाएगा आपको सो गाइस मैंने ऑर्डर करे हैं छोले और चावल हल्दीराम से और साथ में इसमें गैस करो क्या है बहन बता इसमें क्या है गोलगप्पे नहीं नीतू बता तुझे बहुत अच्छा लगता है छोले चावल ले खोल के देख छोले चावल सामने रखे हैं ये रहे ना छोले चावल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ नूडल्स जलेबी दिखा अरे तुम दोनों पागल हो गया दिखा ये गाइस इसमें मैंने जलेबी मंगाई है ओ वाव सुधीर अच्छी लगती है तुझे तो तू खाती नहीं है तो उसकी वाइफ नहीं है हाँ मैंने कैसी बातें करती तू यार 4 साल होने वाले उसको मेरी पसंद ना पसंद कुछ नहीं पता ए चल चल चुप कर क्यों उसको तो इतना भी पता है कि तुमको मैं पसंद हूँ हाँ बेटू सॉरी यार सॉरी तेरे को भी टॉर्चर झेलना पड़ता है सॉरी भाई की साइड देती हूँ नो तैदू सबसे पहले तो ये सब जलेबी खाना उसके बाद मिठाई मिलेगी ठीक है खा जाओ भाई सब खत्म कर जाओ हाँ बेटा ये तो ले जा लो सो गाइस कल बहुत बड़ा दिन है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टचअप करा के आ जाता हूँ टचअप आपको पता है हल्के से यहाँ से बियर्ड ट्रिम होती है यहाँ से बाल ट्रिम होते हैं बस यही टचअप है हमारे लड़कों का और टचअप थोड़ा भी कराया तो विजिबल होता है लड़कियों का मैंने देखा है जैसे नीतू जाती है दीदी जाती है तो ये लोग करा के भी बहुत सारा चीज़ें आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है ना ऐसा होता है पहले से ही सुंदर है ना तो मैं सुंदर होने नहीं जा रहा मैं टचअप कराने जा रहा हूँ
पर हम तो पहले से बहुत सुंदर दिखते हैं ना, अच्छे दिखते हैं, इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं चलता हम लोग का। हम में तो किस किस को काउंट कर रही है? खुद को काउंट कर रही है? मैं और नीतू। बस ठीक है। और अब नीतू की बारी है मम्मा को कॉल करने की। मम्मी तो सो रही होंगी या बिजी होंगी, उठा नहीं रही है। पायो कर ले। हाँ, पायो कर। बे तू कितने चैन से सो रहा है रे? हेलो भाई, नमस्ते। नमस्ते बेटी। कहाँ पर हो आप लोग? मैं बेटा नोएडा आया था, बस अभी वापस आ रहा हूँ। मॉम कहाँ है? मॉम तो घर गया बेटा। अच्छा, मैंने फोन किया था, वो आंसर नहीं किया उन्होंने, मुझे लग रहा है सो रही होंगी। हाँ बेटी, हो सकता है बात करना थोड़ा सा हो जाता है तो सो जाता। मैं अभी सुन, अभी कोई है वैसा देख तो बस परी चौक के पास उतार के ना, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। नहीं नहीं, आप तो पहुंचो, कोई नहीं। मैं तो बोल रही थी कि आप लोग आ जाना टाइम से, कल 11:40 का मुहूर्त निकला है। मेरे बेटे, मैं तो आ जाऊंगा, तो मॉम से बात कर लेना बेटी। मैंने तो मॉम को कॉल किया है, मॉम ने आंसर नहीं किया ना, 11:40 का मुहूर्त है भाई। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जल जाएगी, मैं पहुंच रहा हूं ना, आधे घंटे। हां जी हां जी, ठीक है ठीक है, आप बोल देना कि कॉल कर लेंगे। ठीक है भाई। हां, हां हां, आपके आपके कॉल से पहले उन्हीं को किया भाई मैंने। अच्छा, ठीक है, एक दिक्कत हो गई है। कल जो हमने टेंट वाले भैया फाइनल करे थे, एंड मोमेंट पर मना कर दिया, कह रहे हैं मुझे अयोध्या जाना है। मतलब कितना बड़ा कूड़ा झूठ बोल रहे हैं वो। अयोध्या में तो एंट्री भी नहीं मिलेगी कल किसी को आसानी से यार। और अगर आपको नहीं करना था, आपके पास डबल बुकिंग थी, तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए। अब सोचो सुबह 10 बजे से पूजा है यहाँ पे, इतने सारे लोग आ रहे हैं, ठंड में उनको नीचे नहीं बिठा सकते। टेंट का मेन पर्पज था कि वो गद्दे वगैरह सब लेके आते, अब हमें रात में 8 बजे ठंड में, आपको पता जल्दी दुकानें बंद हो जाती है, हम कहाँ से अरेंज करेंगे भाई। एंड मोमेंट पर क्या कहती है? हम नीतू की साड़ियाँ से अब टेंट बनाएंगे, जितनी भी साड़ी है ना नीतू की, उससे टेंट बनेगा। नीतू यार, हो जाएगा हो जाएगा, प्रभु श्री राम हमारी लाज रखना। टेंशन की कोई बात नहीं, कल सब अच्छा होगा, कल बहुत अच्छा दिन है। हम मॉम को दोबारा फोन कर रहे हैं। हेलो मॉम, नमस्ते। कल ना कितने बजे का मुहूर्त हो गया मॉम? थोड़ा टाइम चेंज हो गया, किसी पंडित ने ना कोई पता नहीं बकवास बता रहा था 11:30 बजे, फिर हमने किसी और वो रूबी जो है ना उनके उनसे पूछा था ससुर जी से, तो वो कितने बजे का मुहूर्त कह रहे हैं? 9:30 का मुहूर्त निकला है। ठीक है ठीक है, तो आप टाइम पर ही आ जाना 9:30 बजे। ठीक है भाई, मैंने अपनी हेयर कट करा ली है और नीतू को देखो कहती है कि मैं नहा लूं। मतलब मैं एक बार नहा रहा हूं दिन में, इतना एहसान कम है इस दुनिया पे, दोबारा दोबारा नहा लूं भाई? ठंड में कौन नहा रहा है? मैंने तो वहीं अपना हेयर कट कराया और शैम्पू भी करा लिया, तो शैम्पू करा लिया, कोई बाल बाल चुभेंगे ही नहीं, तो अपना सुबह तक का गया सिस्टम। अभी क्या है कि पुनीत ने भाई बहुत अच्छा काम करा, जितने में हेयर कट करा के आया मेरा भाई गया और वो टेंट वाले ढूंढ के ले आया। अभी उस घर पर मैं जाऊंगा क्योंकि टेंट लगेगा, सुबह के लिए तैयारी होंगी, वो भी अपने सामने कराया। उससे पहले मैंने अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया, मन कर रहा है पिज्ज़ा खाने का, अमेरिका की याद आ रही दोबारा। अरे भाई ये क्यों बेहोश पड़ी है यहाँ? ये कैंपोर मतलब होता है भाई वो, अरे अरे यार वो क्या बोलते हैं जिसको जलाते हैं, तू जो बालों में लगाती है, कपूर कपूर। अच्छा, मैं इतनी देर से कैंपोर कैंपोर कपूर है, कपूर भी कपूर। हाँ कपूर तो है, बाकी की चीज मंगा ले। आज नीतू एक बहुत अच्छा नुस्खा बनाने जा रही है जो कि आप लोग इसके फेसबुक पे देख सकते हो, नीतू बिस्ट रावत पर। नीतू बिस्ट रावत, एक चीज और बताओ, हमारा काम इतना ज्यादा बढ़ गया है और आपको पता है हमारा तुषार छुट्टी पर है, लेकिन रोहित ने सारा काम संभाला हुआ है, हैट्स ऑफ टू हिम। इसने कुछ नहीं करा यार? मैं मतलब दोनों का काम एक में कर रहा है ना एक बंदा, ये कह रही है तो भी कुछ कर ले भाई। हाँ भाई। अच्छा, और भाभी ये क्या, ये तुम्हें डर रहा है अभी? आज ही तो पढ़ा इसमें घुसा, सोच रहा हूँ थोड़ी देर दीदी को परेशान करता हूँ। दीदी का कोई योगदान नहीं वैसे आज, उसका यही योगदान है कि उसने कोई योगदान नहीं दिया, इससे बड़ा एहसान नहीं कर सकती थी हमारे ऊपर वो। है भी नहीं यहाँ पे यार, लखन के पिंपल का इलाज है मेरे पास, भाई इसका इलाज करते कुछ। बाल इतने बुरे क्यों लग रहे हैं तुम्हारे? ऐसे ही है मेरे बाल, बट लग क्यूट रहे हो। अब क्या करूं इसका? अगर तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी स्मार्ट होगी तो तुम्हारे किस पे कर रखा है? हाँ ठीक है, मैंने नहीं किया कुछ, मैंने टच भी नहीं किया इसका। अच्छा हाँ बता। तो तुम्हारे लिए नुस्खे ही नुस्खे हैं, आओ मैं बताती हूँ। बट मैं बता दूं, लखन को पानी से, आप सभी को पता है कितनी प्रॉब्लम है, लखन को पानी से बहुत प्रॉब्लम है।
फेस वॉश सिर्फ दिन में एक दफे होता है. वॉश योर फेस फर्स्ट, अपना फेस अच्छे से वॉश करिए आप, उसके बाद आपको उसके बाद ये घूमने जा, मेरे बिना नहीं जा पाएगा. अभी मम्मा पापा का फेस वॉश करा दे उसके बाद चलेंगे. ओके गिव मी वन मिनट. वॉश योर फेस ना, साबुन से धोना है. साबुन से, अरे साबुन से धोता है. गरम पानी कैसे, इसमें गीजर तो नहीं था. आएगा ना कुछ तो होगा, सारा गरम थोड़ी खत्म हो गया होगा. गूची क्या कर रहे हो आप, गंदी बात है बेबी, बाहर निकलो. नहीं नहीं चलो, नहीं नहीं कराऊं. चलो चलो विनोद, किसको नहीं नहीं करनी. हाँ ले जाए इसे, ले करियो करियो एक बार, देखना अभी देखना गाइस. चल सुधीर मेरे पैर से दूर कर, करियो करना सुधीर. ये काट लिया, देखिए देख. प्यार भी करता है, है? तेरे हाथ में काट लिया इसने? नहीं हाँ ये तो हो गया. अब साबुन से धोया? नहीं नहीं ऐसे पानी लक्ष्य साबुन से धोना, पानी वही होता है भाई. तू और लखन ने फेस पता कहाँ से धोया था, उसी कॉर्नर से धोया. हाँ वाली बात लो, अब इसको पकड़ो, इसको निकाल दूँ ऐसे कर. नहीं नहीं यही तो नहीं करना चाहिए. पिंपल में लोग अपनी पिंपल को खींच देते, उसमें से वो जो निकलता है वो निकाल देते, तो वो गलत होता है. पकड़ो पकड़ो इसको, नहीं जाना ठीक है. अब मैं देखो तुम्हारे लिए क्या नुस्खा निकाल रही हूँ. ये देखो मेरा पिंपल अभी होना स्टार्ट हो रहा है, मैंने करा और वो ठीक हो गया. अच्छा जी, दबा मत नहीं तू, दबा मत. अरे दबा नहीं रही हूँ. लू हो गया, इससे क्या होगा. वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच. कब तक? वन और टू डे. वन और टू डे, इससे चलो मैं निकाल देता, अभी ठीक हो जाएगा. नहीं होगा ना वेट. बिना बात यार, ठंडे ठंडे पानी में हाथ रो चले गए मेरे. एक ये पागल, क्या करना मसाज? बहुत मेहनत करी तू, तेरी मसाज करेंगे हम. एक काम नहीं कराया इसने. क्यों नहीं कराया? क्या कराया इसने? वहाँ पर देखने गई. इसकी सबसे बड़ी हेल्प क्या थी बता? बेइज्जती करना बैठ के, कि इसने कोई हेल्प नहीं करी. इसका तरफ से सबसे बड़ा योगदान वही था. अबे अरे वाह भाई वाह, क्या चाहता है बेटा? बस बाबू बस, तुम्हारा हाथ तो इतने सॉफ्ट है ना, इतने छोटे बच्चे के जरा. कमल सोनी दीदी को बोला कि उनको 6 बजे उठना है. बस वो उठ गई. कोई बात नहीं, तू तू चाहे उससे कितने पैसे की शर्त लाके उससे पैसे ले ले, पर टाइम से उठ भैया. क्या करना है वो रात में? यहाँ पे कल टेंट लगेगा. हाँ और सफाई चल रही. तो भाई आज भैया ने मेरे को बोला है कि व्लॉग बनाना, सारा ये सामान रखा है इधर सारा, और यहाँ पर ये अभी तैयारियाँ चल रही हैं सभी. ये इधर से लाइट वगैरह सारी हो रही है, ये लाइट्स लग रही हैं, इधर से भी हो गया है सब. इधर की साइड का तो हो गया ना भाई? हाँ भाई हो गया. और ये भैया हैं, जब हमारे लास्ट में कैंसिल हो गया था दूसरे टेंट वाले भैया ने कर दिया, तो ये आए रात. गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, आजकल आप लाइक करना भूल जा रहे हो. मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके लाइक होते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा अच्छे से व्लॉग बनाने की. तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहना. कल का तो व्लॉग भाई ग्रैंड सेलिब्रेशन का होने वाला है, पूजा का होने वाला है, जो कि आप देखोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो पहले इस वाले व्लॉग को प्यार दे दो. बाय, टेक केयर, आपका दिन बहुत अच्छा जाए.